तो भाई जिस चीज का हम वेट कर रहे थे उसके लिए हम फाइनली पहुंच चुके हैं। हम लेने आए हैं डिलीवरी अपनी मर्सिडीज EQS। गाइस कर्नल साहब को हम पीछे बिठा रहे, जान को बैठना चाहिए यार ऐसी गाड़ी में ना। हाँ, चलाने वाला जो मर्जी को गाड़ियों के बारे में, एक चीज जो टेंशन ले ही लेती है ना चाहे जो, वो है डीसी की अवंती। पीछे तो इसने लैम्बोर्गिनी का स्टिकर लगा रखा है, बट भाई सारे लोग ऐसे देख रहे जैसे पता नहीं कौन सी सुपर कार है। दो सेकंड के लिए ना मैं भी कंफ्यूज हो गया कि ये अवंती है कोई और गाड़ी है। दरवाजा गाइस वेलकम बैक टू चैनल। सुबह की शुरुआत थोड़ी स्पोर्ट्स कार के साथ हुई है एंड इस गाड़ी को देख के मुझे ये लग रहा है कि भाई इन सड़कों पे मैं अपने घर के आसपास ये गाड़ी चला सकता हूँ। एंड भाई गाड़ी अब एक ही बार लेनी है तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है। नई यूज्ड स्पोर्ट्स कार भाई कमेंट करके बता दो क्या करें। अगर कोई अपनी दे रहा है ना मुझे गाड़ी बेच रहा है प्लीज वो भी बता देना। मैं बस एक M4 आई है किसी सब्सक्राइबर की। देन एक चीज है हर गाड़ी, ये देखो हर कोई इसको मुड़ मुड़ के देखता है इस गाड़ी को। भाई वर्कआउट करके तो हम घर पहुंच गए। लोगों के सवाल ये थे कि तलाश कैसे चल रही है अपनी बाली की और इनकी नई बीवी की। यार तो मेरी मदद नहीं कर सकता जस्टिस फॉर फादर, आपको जो हेल्प बोलोगे हम आपको देंगे। बताओ मेरी एक गलती हो गई। हां मैं बड़ा सोच रहा हूं सीरियसली। एक गलती दो गलती? नहीं नहीं एक गलती और पुरानी हो गई ना। मुझे लगा मेरी बात कर रहे हैं पर मम्मी की बात। हाँ दो गलती है तो सही। अच्छा बोल। अच्छा, नहीं मैं ये कह रहा हूँ यार पता है एक सजेशन है। हाँ। तूने भी पिक्चर देखी है वो नई वाली? कौन सी? थाई मसाज। अब वो पिक्चरें कौन सी देख रहे? नहीं बेस्ट है मैं थाईलैंड से वापस आया। हाँ। और नई पिक्चर आई नेटफ्लिक्स पे आई है थाई मसाज। अगर मैं पहले देखता तो मैं अकेला जाता। अब अभी देर नहीं है आप जा सकते हो। पर आपकी नई बाली कौन लेके देगा? बेटा यू शुड गिव इट टू योर मदर। सब कर लो गाड़ी के पैसे आ नहीं रहे, ये भी ले लो वो भी ले लो, है घर भी ले लो शादी भी कर लो सब कुछ। इट डजंट मैटर पैसे हो या ना, आदमी को खुश रहना। तो आप बिना बाली के खुश रहो। मैं तो खुश ही रहती हूं। बट देन आज मंगलवार है तो हमारी जो सिक्स पैक बनाने के सपने थे वो टूट जाएंगे और हमें आलू पराठे खाने पड़ेंगे। ओहो पापा मीठी चूरी खा रहे हैं? चूरी देसी घी एंड चीनी डाल के बेस्ट। मेरे फादर हर ट्यूसडे को ना चीनी की रोटी खिलाते थे मलाई के साथ, तो आपको ना ये जरूर ट्राई करना चाहिए, बहुत मजेदार होगा। फूडी तंदूरी चीनी रोटी। भाई आज का दिन तो बहुत स्पेशल है, स्पेशल चीज के लिए हमें स्पेशली तैयार होना पड़ेगा। बस स्पेशल गाड़ी आने वाली है, दैट्स गोना बी क्रेजी। एंड ये गाड़ी हम पब्लिक की डिमांड को ध्यान में रखते हुए फाइनल करने जा रहे हैं। कुछ धमाकेदार सरप्राइज है आप लोगों के लिए। एंड हाँ हेयर कट भी हो गया ट्रांजिशन में। डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन में कैसा लग रहा है। पिछली वीडियो पे काफी लोग के कमेंट्स पड़े कि भैया जी वैगन तो अच्छी है बट ये वाली मत लो, उसका इंटीरियर आउटडेटेड है। भाई वो गाड़ी की प्राइस थी 1.5 करोड़, एंड उसके हिसाब से इंटीरियर देख के मेरा बड़ा मूड खराब हुआ। एंड भाई हम मिडिल क्लास बंदे, हम ड्रीम्स अपने करने की कोशिश करें बट हम बेवकूफ वाले डिसीजन नहीं ले सकते। हाइप बनी हुई है इस गाड़ी की, गाड़ी नो डाउट भाई जी वैगन है। 8 करोड़ की इतने साल पुरानी गाड़ी मिल रही है तो भाई हिसाब लगा लो जो अगर अभी मार्केट में ले जाओगे तो कितने की मिलेगी जो लेटेस्ट मॉडल्स होंगे। तो इसलिए हम थोड़ा सा दुविधा में है। डू लेट मी नो, इससे अच्छा वैल्यू फॉर मनी तो भाई GLS लग रही है। साथ ही साथ X7 भी नई वाली आ गई है, X5 भी नई वाली आने वाली है, ऑप्शंस बहुत सारे हैं। गाड़ियां तो आती जाती रहेगी, अपनी KSRV के साथ अनबॉक्सिंग करने वाली फील बहुत ही ज्यादा अलग। तो अपना पहला पैकेट है बॉम्बे शेविंग कंपनी, जिनके प्रोडक्ट्स हमें आजकल बहुत ज्यादा पसंद आ रहे हैं एंड हमने गिव अवे भी करा हुआ है। 1 फरवरी को हम विनर्स अनाउंस कर देंगे। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करा हुआ है, बेल नोटिफिकेशन ऑन करिए, वीडियो को लाइक कर देना एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, बिकॉज अनाउंसमेंट सारी इंस्टाग्राम पे होगी, पार्टिसिपेशन भी इस पोस्ट पे होगी इंस्टाग्राम पे। तो ये हमारा खत्म हो गया था। तो भाई परफ्यूम कलेक्शन है, काफी ज्यादा सही परफ्यूम मैंने अपने ट्रैवल में यूज करी थी। सो दिस इज द वंडरलस्ट कलेक्शन, इसका रिव्यू भी हम वेरी सून शेयर करेंगे। एंड दूसरा पैकेट भाई बहुत ही स्पेशल है, डिज्नी की तरफ से आया है। मतलब क्या टाइम आ गया, बचपन में हम डिज्नी देखते एंड अब डिज्नी हमें भाई पैकेट भिजवा रहे। ओहो हल्क, भाई ये हल्क की एक बॉटल है, हल्क टी शर्ट जिम में ये भी पहन के जाएंगे, भाई हल्क अंडरवेयर भी है, अच्छा सॉरी हल्क की सॉक्स है। ओहो ब्लूटूथ स्पीकर भाई, साथ में एक ब्लूटूथ सिस्टम भी दिया आयरन मैन का। मुझे लगा भाई वो ऑटोमेटिक हेलमेट होता मैं तो क्रेजी रहता। तो थैंक यू सो मच डिज्नी इंडिया, दिस इज वेरी नाइस। देन लतिका सैगल से पूछते हैं उनको क्या लगता है हमें कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, एंड साथ के साथ लतिका सैगल को अपनी गाड़ी चलानी भी सिखानी है बिकॉज मर्सिडीज बहुत जल्द लतिका सैगल ड्राइव करने वाली है। ड्राइव करेगी? उड़ाऊंगी। उड़ाएगी सीधा? भाई ये थोड़ा सा मुझे टेंशन हो रहा है बिकॉज गाड़ी जानी है, जाने से पहले हम नहीं चाहते गाड़ी पे छोटी सी खरोच आए, बट फिर भी पहले इसको थोड़ा सा हम सिखाएंगे स्कॉर्पियो पे, नहीं पहले इसको थोड़ा सा सिखाएंगे हम सेल्टॉस पे, फिर हम इससे मर्सिडीज चलो। मैं कब से सीख रही हूं, लोग भी देख रहे हैं कितने साल। गाइस एक फाइनल टेस्ट लेंगे लतिका साइकिल का, ब्लॉग कंटेंट बनाएंगे एंड देन मर्सिडीज पे ड्राइव।
तो भाई फाइनली हम पहुंच चुके हैं मर्सिडीज के शोरूम एंड हम यहाँ क्यों जा रहे हैं बिकॉज अपनी जनता के लिए सरप्राइज है। एंड भाई ये सरप्राइज इसलिए बिकॉज पब्लिक की इतनी क्रेज डिमांड थी, भैया कुछ हटके करो हटके करो हटके करो, कुछ नया दिखाओ। तो इसलिए हमने सोचा कोई नई गाड़ी देखते हैं, आप लोग भी दिखाते हैं। एंड आई होप आप लोग को ये सरप्राइज पसंद आएगा। एंड अगर पसंद आया ना भाई डू लेट मी नो कि हम इसका क्या करें। एंड अगर आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो भाई धमाका हो जाएगा। यूट्यूब पे हम कुछ अच्छा करेंगे और कुछ डिफरेंट करेंगे जो आज तक किसने नहीं करा। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। गाइस हम आ चुके हैं मर्सिडीज के शोरूम, बट देन उससे पहले हम दिखाते हैं आपको GLS। पब्लिक की डिमांड थी, ब्रांड न्यू है, पूरा इसका कोटेशन वगैरह हमने ले लिया है, बजट में आ रही है। मतलब अगर मैं जी वैगन की बात करूँ उसके बाद मैं इस पे आऊँ, GLE 53 मैंने देखी है, वो भी बजट में थोड़ी बहुत आ रही है। ये गाड़ी भाई सच्ची में वैल्यू फॉर मनी है, इतनी ज्यादा अच्छी फील आ रही है। जरा पापा को एक बार दिखा, अगर पापा ने हाँ कर दी फिर ये हमारी नेक्स्ट साइकिल फैमिली की कार हो सकती है। तो भाई जिस चीज का हम वेट कर रहे थे उसके लिए हम फाइनली पहुंच चुके हैं। हम लेने आए हैं डिलीवरी अपनी मर्सिडीज EQS 53 AMG। एंड मैं लिटरली बता रहा हूँ 750 हॉर्स पावर, 1000 न्यूटन मीटर प्लस का टॉर्क है। भाई मैं लिटरली डर रहा हूँ उसको चलाने से, इतनी पावर के साथ ना बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। भाई एक गाड़ी इतनी ज्यादा प्यारी लग रही है, साइड से तो मतलब क्रेजी लग रही है। इसमें इंजन अलॉय जल है, साथ भाई इसका रेयर इतना ज्यादा प्यारा है। एंड ये देखो अगले 4-5 दिन भाई क्रेजी मजा आने वाला है। एंड सबसे बेस्ट पार्ट इतनी ज्यादा प्यारी लगी, इतने सारे सेंसर्स लगे। एंड इम्पोर्टेंट बात भाई फुल्ली इलेक्ट्रिक गाड़ी है। अभी KSR में बोलता है भैया EQS देखो, इलेक्ट्रिक गाड़ी देखो, पावर की पावर और कंफर्ट का कंफर्ट है। एंड अगर मैं स्टार्ट करूँ इसकी रियर सीट से भाई कितनी ज्यादा प्रीमियम है, ऐसा लग रहा है कौन सी स्पेसशिप में बैठ गया। सो ब्यूटीफुल, सो प्रीमियम। सो गाइस द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग एंड सबसे प्यारी चीज, द फ्रंट ऑफ द कार इज जस्ट, आई लिटरली हैव नो वर्ड्स, इतना ज्यादा प्यारा है ना। तो ये चेक करें आप, फुल AMG DNA इसमें। तो यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप है, ये एक इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, यहाँ पे एक इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, यहाँ पे एक स्क्रीन है। भाई साहब आवाज सुनी आप लोगों ने, तो भाई इसको ऑन करते हैं। एंड जितनी भी नई AMG आ रही है सब में ये सेम स्टेयरिंग है, तो यहाँ से आप पावर मोड्स चेंज कर सकते हो। AMG डायनामिक्स एंड ओवरऑल ब्यूटीफुल। थोड़ा सा डर लग रहा है जैसे ही गाड़ी ऑन हुई। ये हमने डाला इसको ड्राइव पे एंड देन वी आर रेडी। सामने देखो भाई हेड्स अप डिस्प्ले, इतनी ज्यादा और प्यारी लग रही है ना, अमेजिंग। तो गाइस गाड़ी हमने कम्फर्ट पे करी है, सामने रोड है, लेट्स गो। भाई माँ का सब 60 पे पहुंच गई, 2 सेकंड भी नहीं हुए होंगे। तो इसमें ना रीजनरेटिव पावर होती है, तो अगर मैं एक्सीलेटर से हाथ हटाऊंगा ये नॉर्मली जैसे गाड़ी रुकती है वैसे रुकेगी। अगर मैं स्ट्रॉन्ग रिक्यूपरेशन करूंगा, सपोज मैंने एक्सेलरेट करा और मैंने एक्सेलरेटर से पैर हटाया, ये एकदम से कम होगा और साथ में चार्ज भी करेगा गाड़ी। एंड गाइस ये है इसका 360 डिग्री कैमरा, इतना ज्यादा प्यारा लग रहा है, रियल लाइफ फ्रंट एंड रेड सब कुछ आता है, मतलब ऑटो पे है सब कुछ। मुझे पता था 4 दिन के लिए मिली है, पता नहीं है भाई इसने एक्सयूवी में भाई नए टायर डलवा लिए, काफी ज्यादा सही लग रहे हैं। 20 इंची है ना, 20 इंच। ओह माय गॉड, हम भी सोच रहे हैं हम 21 डलवाते फिर हम हो जाएंगे फर्स्ट इन एक्सयूवी। 21 का डिजाइन है मेरे पास और जी वैगन का। बता दो एक्सयूवी में अगर 21 इंच डलवाने हैं भाई डलवाए। डैड को ये सब गाड़ी बहुत पसंद आती है, अगर उनको ज्यादा पसंद आई तो ये हमारी कंसिडरेशन हो सके। मुझे बहुत ज्यादा प्यारी लगी, मेंटेनेंस कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ ओनरशिप कम हुई, तो भाई इससे परफेक्ट गाड़ी कोई नहीं हो सकती। सीन कुछ ऐसा है कि हम पहुंच चुके हैं घर, लतिका सहल को ना अभी तो कुछ आइडिया नहीं कि हम कर क्या रहे हैं। भाई उसका रिएक्शन लेना है हमें स्पीड टेस्ट पे, बिकॉज घर के सामने एक खाली एरिया है जहाँ पे मैं बड़ी आराम से गाड़ी भगा सकता हूँ। लोगों को गाड़ी की नॉलेज है वो समझ जाएंगी क्या चीज है, बट देन जिनको नहीं पता उनको दिखाने के लिए उनको बिठाना पड़ेगा। भाई अगले 2-3 दिन सभी को हम अच्छे से राइड देने वाले हैं, खुद भी हम बढ़िया सा कॉन्टेंट बनाएंगे इंस्टाग्राम, सो डू चेक इट आउट, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा। अभी लतिका सहल का रिएक्शन दे, भाई गाड़ी देख रही है, पहले इसको बिठाते अंदर, देख रही है। बात कर रहे हो, दरवाजा बंद कर, कौन ले रहा है उसके साथ, उसके, कौन उसके, किसके एक्सचेंज में, क्लास के एक्सचेंज में। ज्यादा हवा में नहीं उड़ रही बेटा, 2 करोड़ की गाड़ी है ये, सीट बेल्ट पहन ले काम आएगी। अभी ना प्रिया को हम थोड़ा वार्म अप कराते हैं, क्योंकि इसको बिल्कुल कुछ आइडिया नहीं है कि अभी मैं क्या करने वाला हूँ। किसी भी गाड़ी में नहीं बैठी लग्जरी, तुम फिर भी वो फरारी फरूरी में वो भी नहीं बैठी, तुझे फील आएगी अभी कि लग्जरी गाड़ियों में क्या होता है। ठीक है, सो गाइस लतिका सहगल का रिएक्शन लिंक, थोड़ा कैमरे इधर, ठीक है, आर यू रेडी? नहीं अभी तो मैं प्रिपेयर्ड ही नहीं थी इसके लिए। नहीं ठीक है, 1 2 3 अब गाड़ी, कितने टाइम में हुआ ये, ऐसे ऐसे गाड़ी चलती है, ऐसे जा रही है। नहीं 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 मक्खन
कुछ ऐसा हो रहा है कि पापा मम्मा भी आ गए हैं और उनको मैंने बोला नीचे वेट करो, उनके लिए सरप्राइज है। पापा शायद सरप्राइज हो जाए, मम्मी तो पक्का सरप्राइज हो गया। अगर मैं उनको बोल देना मैं नई गाड़ी ले आऊंगा, मान जाएंगे एंड फिर मजा आएगा। एंड उनको ना ड्राइव रिएक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रिया ना फिर भी एक यंग ब्लड है तो उसको पता है ऐसी सब चीजें होती रहती है। पापा मम्मा बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करेगा, मम्मी का रिएक्शन तो भाई माशाल्लाह। गाड़ी हमने निकाल ली है, मम्मी पापा का रिएक्शन लेंगे। पापा तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे भाई इसको देख के। Say hello to our new car. Seriously? मुझे पता था आप डिलीवरी पे आओगे, मुझे पता था डिलीवरी पे। एडवांस पेमेंट हो गई है, मैं 1 रुपया नहीं दूंगी। अरे मैंने दिए, चेक दे दिया है। रखना का है इसको। अच्छी लग रही है ना? क्यों वापस करके आओ? क्यों नहीं अच्छी लग रही? What do you have to say? पंडित जी से दूध भी कर गए। अच्छी लग रही है ना? नहीं अच्छी लग रही, इसको वापस कर। मम्मा लाइटिंग देखो यार। नहीं वापस करो। क्या बात कर रहे हो यार? दिमाग है सब लोग देखेंगे, इसको वापस कर। अब क्या हो गया, मजाक क्यों निकाल देना है? जगह नहीं है, 4 की जगह 5वीं गाड़ी हो जाएगी। और नहीं ली यार, 3 दिन के लिए आई है शूट के लिए। मम्मी ना आप बैठ, डर गए। बैठो तो सही गाड़ी में। पापा तो गाड़ी पूरी चेकआउट मारे। पापा कैसी लग रही है? प्यारी है ना? गेस करो प्राइस कितना है। मेरे को देख सुन, हार्ट अटैक कर रही है। मेरे व्यू कलर बहुत प्यारा है। कितने की बताओ? नहीं नहीं सुन सुन यार, ऐसे ना, नहीं नहीं ये बोर। मम्मी वाह, तूने जरूर बतानी थी प्राइस। कर्नल साहब को हम पीछे बिठा रहे, जाए इनको बैठना चाहिए यार ऐसी गाड़ी में ना। हाँ चलाने मजा आपका ना। मैं कल ड्राइव, हम हाईवे पे चलेंगे, आपको ड्राइव रिएक्शन दूंगा, पागल हो जाओगे कि किस में बिठा दिया। इसके आगे स्क्रीन तो देखो, बिठाओगे किसको साथ? बस एक है स्पेशल बैठने वाली। अरे पूरा लग्जरी है कर्नल साहब, ये देखो ना टैबलेट। नहीं बीवी को तो कमांड कर नहीं सकते इस पे। भाई अपनी बढ़िया डांस प्रैक्टिस हो चुके, हम वापस घर आ चुके हैं। अब हम करेंगे आज का व्लॉग एंड। घर वालों का रिएक्शन मुझे पता है, रह रहा है। अगले व्लॉग में लेंगे, बिकॉज अगला व्लॉग बहुत स्पेशल है। फाइनली 28 साल तक जिस चीज के लिए मैं वेट कर रहा था ना, वो फाइनली हो जाएगी एंड रिएक्शन भी मिल जाएगा। हम करेंगे आज का व्लॉग एंड। आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो। इफ यू डोंट फॉरगेट टू बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब चैनल, प्रेस बेल नोटिफिकेशन ऑन, सो आपको पता चले नेक्स्ट व्लॉग इज लाइफ। आई सी यू नेक्स्ट वीडियो।